हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी निबंध दशहरा। इसके पहले आप देख सकते हो ये 16 नंबर है। इसके पहले के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, 15 इसके और कई सारे जो अलग से जो मुझे कमेंट्स आए हैं उस पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे। लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि ये पेजेस की वीडियोज़ हैं। और आपके हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों ही लैंग्वेज के राइटिंग स्किल्स के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। पर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है या फिर आपको नीट है, आपको होमवर्क दिया गया है, आपके बुक में है बट वो अपलोडेड नहीं है, तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, सारे ही वैसे आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक स्टैंडर्ड के वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो प्लेलिस्ट में पहले चेक कीजिए। अगर नहीं मिलता तो या फिर नहीं अपलोडेड है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका वीडियो भी बना दूँगी। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पे पहले परिचय दिया हुआ है, यानी कि हर एक त्यौहार का, अगर आपको कोई भी त्यौहार का अगर आपको दिया जा गया है निबंध, तो इसके पहले मैंने गणेश उत्सव का और रक्षाबंधन का इस तरीके से बताए हुए हैं। तो पहले आपको उसका परिचय देना है, फिर विभिन्न मान्यताएँ या पौराणिक मान्यता उसका, फिर त्यौहार का वर्णन, फिर उससे मिलने वाले संदेश, फिर उसका आज का महत्व, आज के ज़माने में क्या महत्व है या फिर उससे मिलने वाले संदेश, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। यहाँ पर तीन ही दिया गया है बट आप इससे मिलने वाला संदेश, इसका महत्व, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। दशहरे के त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व है। दशहरे के पहले 9 दिन तक नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये हम सबको पता है। 10वां दिन दशहरे का होता है, इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्यौहार अश्विन शुक्ल दशमी के दिन सारे देश में मनाया जाता है, ठीक है। दशहरा शरद ऋतु का पौराणिक पर्व है, इसको कुवार भी बोलते हैं, आई थिंक कुवार, अश्विन को। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय की खुशी में हमारे देश में यह विजय पर्व प्रति वर्ष यानी हर वर्ष मनाया जाता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास इसी दिन पूरा हुआ था, तो एक ये भी मिल जाता है। अज्ञातवास में पांडवों ने अपने शस्त्र एक शमी वृक्ष पर रख दिए थे। दशहरे के दिन उन्होंने अपने ये शस्त्र शमी वृक्ष से उतारे थे, दशहरे के दिन ही, ठीक है, क्योंकि उनका उसी दिन अज्ञातवास खत्म हुआ था। तो उसी दिन फिर जब अज्ञातवास खत्म हो गया तो उनको उनके अस्त्र शस्त्र चाहिए थे, तो उन्होंने शमी वृक्ष से वो वापस लिया था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन राजा रघु ने कुबेर को परास्त कर भारी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त किया था। यह सोना उन्होंने कौत्स ऋषि को दान कर दिया था। दशहरे का त्यौहार देश के सभी भागों में धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह त्यौहार भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। हम देखते हैं ना, 9 दिन जब रहता है तो इधर दुर्गा पूजा भी रहता है और हमारा फिर क्या चलता रहता है, रामलीला चलता रहता है। और फिर 10वें दिन क्या होता है, फिर 10वें दिन हमारा होता है रामलीला दशहरे के दिन। उत्तर भारत में यह त्यौहार भगवान राम की विजय की याद मनाया जाता है। इस अवसर पर रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। 10 दिन तक चलने वाली रामलीला दशहरे के दिन समाप्त होती है। इसका समापन रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाकर किया जाता है। ये सब तो हमको पता ही है ना। बंगाल में दशहरे के दिन दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। ये एक्चुअली सिर्फ बंगाल में नहीं, उत्तर भारत के भी इलाकों में किया जाता है। उत्तर भारत में जैसे यूपी हुआ, ठीक है, फिर आपका मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उधर भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि फिर जो हम दुर्गा माता का मूर्ति बिठाए रहते हैं उसका विसर्जन करते हैं। गुजरात में 9 दिनों तक चलने वाले गरबा और रास के कार्यक्रम इसी दिन समाप्त होते हैं। तो यही है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मुंबई में, गुजरात में गरबा होता है, ठीक है, भले से दुर्गा माता की मूर्ति नहीं बिठाते, छोटा सा फोटो ही बिठा देते हैं, लेकिन फिर वहीं पे आपका गरबा होता है। और बंगाल में, यूपी में दुर्गा माता की मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं, बिठाए रहते हैं जो, और रामलीला भी चलता रहता है। और दशहरे के दिन ये सारी चीज़ें जो पुतला जलाते हैं ये भी होती है। दिल्ली में भी दशहरे का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों, दुकानों एवं कार्यालयों के दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। व्यवसायी लोग दशहरे के दिन अपने औजारों एवं मशीनों की पूजा करते हैं। पुराने ज़माने में इस दिन राजा, महाराजा एवं क्षत्रिय अपने आयुधों की पूजा करते हैं, ठीक है, आयुधों यानी जो उनकी आयुध, जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। दशहरा विजय का पर्व है। इस पर्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में विजयी बने,
तथा धर्म न्याय त्याग एवं मानवता की रक्षा करें। तो ये हमें, ये देखो ये संदेश मिला हमें, ठीक है, भले से आप यहाँ पे संदेश नहीं दिया गया है लेकिन हमें लास्ट में संदेश भी मिल रहा है उसका। सो ये मैंने आपको बता दिया। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और जो भी उनको वीडियो चाहिए उन्हें भी हेल्प मिले। और आपके हर स्टैंड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जरूर देखिए। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है मेरा हर एक वीडियो ताकि वीडियो क्लियर दिखे आपको, ओके। और जहाँ तक हो सके चैनल को आप सपोर्ट करें क्योंकि चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, टीचर्स आपके सपोर्ट के लिए हैं, हेल्प के लिए हैं। तो जो भी वीडियो आपको लगता है कि नहीं है या फिर अपलोडेड नहीं है और आपको नीड है तो आप मुझे जस्ट कमेंट बताइए, आपको सारे मिल जाएंगे, ओके।